वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाले क्लासेस बाय बाले सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बाले क्लासेस पर स्वागत करता हूँ। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पंक्चुएशन, ठीक है। इस पंक्चुएशन से एक से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं और मैं फुल रूल के साथ समझाऊंगा। एक एक पॉइंट आप समझेंगे तो आपका पंक्चुएशन एकदम भी कहीं से भी गलत नहीं होगा और आपका एक से दो नंबर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। आज और कल मैं 2 दिन नियम पढ़ाऊंगा, इसके बाद तीसरे दिन इसके कई क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा टेस्ट के लिए और एक क्वेश्चन के पीछे मैं अच्छा खासा मैं समय दूंगा और आप लोग पूरा कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और ग्रुप्स वगैरह चैनल में फटाफट फटाफट जितने भी लोग हैं फटाफट सभी लोग शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रीपोजिशन। मैंने क्या लिया यहाँ पर, अरे पंक्चुएशन। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पंक्चुएशन लिया है और आज हम इसके चर्चा करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रूल्स की। किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड रूल्स की हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आगे की तरफ हम देखेंगे, ठीक है। हाँ तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है ना, आखिर पंक्चुएशन किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना सबको। तो यहाँ क्या लिखा है, पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह। 1 मिनट प्लीज, ठीक है। पंक्चुएशन मतलब जो होता है वो होता है, यहाँ पर पंक्चुएशन अर्थात क्या होता है, विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह। इसके अंतर्गत फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आदि आते हैं। इसका प्रयोग एक लेखक को अपनी लिखी जाने वाली विषय वस्तु में अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। यदि पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं, अगर मुर्गी अपना अंडा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर दे तो अंडा किसका होगा, तो शायद आपका जवाब भारत हो या पाकिस्तान हो, लेकिन ये दोनों के दोनों आंसर गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडा ना तो भारत का होगा और ना पाकिस्तान का होगा, वो अंडा होगा मुर्गी का। क्या बात है, पाने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नहीं किया जाए तो विषय वस्तु को हम नहीं सोच पाएंगे और लेखक के विचार भी अपूर्ण रूप से प्रतीत होंगे। तो आपको पता चल गया पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है और बहुत चीज आता है, यहाँ लिखा है आदि। कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है, प्लीज एकदम छोटा सा पॉइंट सबको क्लियर है, क्लियर हो गया पंक्चुएशन किसे कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करिए, चलिए प्लीज स्क्रीनशॉट करिए सभी लोग। चलिए आगे तक पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए और क्या लिखा है, इन चिन्हों के प्रयोग से भाषा को स्पष्ट और सरल बनाया जा सकता है। इनके गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है और इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। और पंक्चुएशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, ठीक है ना। निम्न स्थितियों में कैपिटल लेटर का प्रयोग ध्यान में रखें, निम्न स्थितियों में कैपिटल लेटर का प्रयोग आपको ध्यान में रखना है। ये कैपिटल लेटर वाला पॉइंट जो है आपको भूलना नहीं है, प्लीज कैपिटल लेटर वाला पॉइंट आपको भूलना नहीं है, इस पॉइंट को जरूर रखना है क्योंकि ये अक्सर गलती मिलती है कैपिटल लेटर का, ठीक है। तो चलिए इतने पॉइंट्स क्लियर हैं, सभी लोग कमेंट्स करिए, फटाफट कमेंट्स करिए प्लीज, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, एक बार फटाफट लाइक कर दें प्लीज, ठीक है। शेयर कर दीजिए ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दीजिए और लोगों को बुलाइए, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम संख्या है, 7-8 नहीं चलेगा, इसको कम से कम 10-12 पूरा करिए, 10-12-15 करिए प्लीज जी। चलिए आगे ले चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहला नियम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, मतलब प्रत्येक वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से। जैसे पहला दिया है ही इज ए गुड बॉय, दूसरा दिया है दे केम टू मीट मी, ही इज ए गुड बॉय, दे केम टू मीट मी। तो यहाँ एच कैपिटल है और यहाँ पर कैपिटल टी है, मतलब प्रत्येक वाक्य का हमेशा कैपिटल लेटर शुरू होता है, ये कैपिटल एच भी है, यहाँ कैपिटल टी भी है, प्लीज सभी लोग कंफर्म करेंगे। चलिए सभी लोग, चलिए स्क्रीनशॉट करिए प्लीज। चलिए बहुत अच्छा, नियम नंबर टू यहाँ पे हम अब नियम नंबर टू देखेंगे, क्या दिया है, प्रॉपर नाउन, क्या क्या चीज है यहां पे, सबसे पहले दिया है प्रॉपर नाउन, फिर क्या दिया है, प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है, अर्थात किसी व्यक्ति, शहर, देश, राज्य, समुद्र, नदी, दिन, माह, ग्रंथ, भवन, जाति, इतना चीज मैंने यहां लिया है, ठीक है प्लीज। यहां तक प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसे
किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी राज्य का नाम हो, किसी समुद्र का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, किसी ग्रंथ का नाम हो। बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलेट। किसी भवन का नाम हो, किसी जाति का नाम हो, ये कैपिटल लेटर में होगा। इतना हो गया, इतना स्क्रीनशॉट करिए, आगे ले चलें। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट करके चलें आगे। चलिए हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, जैसे त्यौहार तथा भाषा के नाम का पहला अक्षर कैपिटल, जैसे राम, दिल्ली, इंडिया, राजस्थान, इंडियंस, द हिमालयाज, द रामायणा, संडे, दिसंबर, द राजपूत्स, दिवाली, इंग्लिश, हिंदी, द ताजमहल, ईश्वर, गॉड, या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन एवं प्रोनाउंस, जैसे माई गॉड, जैसे दो आर्ट मर्सीफुल, देखो कैपिटल टी है, द लॉर्ड, कैपिटल टी और कैपिटल यल है, द आल माइटी, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, मतलब गॉड इज ओमनी प्रेजेंट मतलब ईश्वर सर्वज्ञ है, सभी जगह है। तो इतने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक ना। राम देखिए नाम हो गया, दिल्ली शहर हो गया, इंडिया जो है देश का नाम हो गया, राजस्थान स्टेट का नाम हो गया, इंडियंस जो होगा इंडियंस मतलब भारतीय हो गया, जाति हो गया, हिमालयाज ये पहाड़ के नाम हो गया, द रामायणा ग्रंथ का नाम हो गया, संडे दिन का नाम हो गया, दिसंबर महीने का नाम, द राजपूत ये भी जात का नाम हो गया, दिवाली त्यौहार हो गया, इंग्लिश हिंदी ये सब ताजमहल ये सब चीज़ ये है, ठीक है। तो क्लियर है, दूसरा रूल एकदम क्लियर है, एकदम कन्फर्म है, प्लीज कमेंट्स करेंगे। चलिए चलिए तीसरे रूल पे आते हैं, रूल नंबर तीन क्या दिया है, ईश्वर गॉड या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन योम प्रोनाउंस, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, माय गॉड, दो आर्ट मर्सीफुल, द लॉर्ड, आल माइटी, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। तो ईश्वर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे द आल माइटी, आप शक्तिशाली हैं, आप सर्वशक्तिमान है, आल माइटी आप सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ पर भी ये गॉड से ही रिलेटेड है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसीलिए दा का कैपिटल टी है और आल माइटी का कैपिटल ए है, कोई दिक्कत, द लॉर्ड है, ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा, सभी लोग कमेंट्स करें, क्लियर है, सभी लोग कमेंट्स करें। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर चार सभी लोग को फटाफट देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ है, पद का नाम, डिग्रियों के, आखिर धान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैडी। पदों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, पद का नाम, जैसे यहां पर पद का नाम, जैसे प्राइम मिनिस्टर है यहां पे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पीएम, प्राइम मिनिस्टर, कैपिटल लेटर है पहला अक्षर, पीएम हो गया प्राइम मिनिस्टर। जैसे यमे है, तो दोनों अक्षर देखो कैपिटल में है, यमे, बी ए है, दोनों अक्षर लगभग इसमें है कैपिटल में, पहला अक्षर इसका कैपिटल होना चाहिए, दूसरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पहला अक्षर। प्रेसिडेंट है, एम बी ए है, पी एच डी है, पी पहला अक्षर कैपिटल है, एच भले छोटा है, जैसे एम फिल है, तो ये सब जो है पहला अक्षर इसका कैपिटल होता है, क्या होता है पहला अक्षर इसका क्या होता है, कैपिटल होता है। तो पद का नाम और डिग्री के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है, प्लीज सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग क्लियर है, सभी लोग चलिए स्क्रीनशॉट करिए प्लीज, चलिए स्क्रीनशॉट करिए एक फटाफट, चलिए वेरी गुड, चलिए आगे चलेंगे। रूल नंबर पांच क्या बताता है, पांच नंबर रूल देखेंगे, क्या लिखा है यहां पर, प्रोनाउन आई तथा इंटरजेक्शन ओ जब किसी वाक्य में अकेले आए तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, याद रखना है, अगर आई और ओ जब अकेले आए किसी वाक्य में, इंटरजेक्शन हो, प्रोनाउन आई को प्रोनाउन कहा गया है और ओ को इंटरजेक्शन बोला गया, तो हमेशा जब भी अकेले आए तो उसको क्या लिखा जाता है, बगुला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाता है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, जैसे ही इज टालर देन आई, यहां पर जो आई है आपका ये कैपिटल है, यहां क्या लिखा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो यहां आई और ओ जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, क्लियर है, कंफर्म है, चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट करिए फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए,
तो यहीं तक ये क्लास थी, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आपको, ये देखने में मजा आया, पसंद आया आपको? पंक्चुएशन मैंने पांच नियम दिया है, पांचों नियम आप तैयार कर लीजिए। कल और हम इसी तरीके से और नियम लेकर आएंगे, जिससे आपको नियम जो है पूरा पूरा आ जाए, नियम आ जाएगा, तो आप किसी भी एक्सरसाइज को कहीं भी कभी भी किसी भी एग्जाम में आप एकदम आराम से कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, और हाँ जितने भी लोग हैं वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग देखें, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करिए और डेली तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, सभी को थैंक यू, सभी ने जितने लोग ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, सभी जितने भी बच्चे हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल चलिए ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, पढ़ने वाले बच्चे उनसे कहें कि यार बाला सर का क्लास आता है 7:30, एक बार प्लीज़ देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मैं, एक एक पॉइंट्स इकट्ठा करके आपके लिए देता हूँ, तो प्लीज़। चलिए ठीक है, सभी को थैंक यू, सभी को गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।